नमस्कार। जिसके बाजुओं में दम होता है उसके लिए कमाई के रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। भारत टीवी के साथ हैं आप, देव मेरा नाम है। एक बार फिर आपको, अगर आप पढ़े लिखे हैं या नहीं है, बस आपके अंदर मेहनत करने का मादा है तो मेरी बात में आपको वो चीज़ यथार्थ दिखती है, यानी सच्चाई में। आप करोड़ों कमा सकते हैं, आप लाखों कमा सकते हैं, बसरते आपके अंदर मेहनत करने का जज्बा हो। मैं चाहूँगा अपने कैमरामैन साथी से कि एक बार इन तालाबों को दिखा दें। हम तालाबों के किनारे हैं और ये मछली पालन होता है। मछली पालन जिसमें लोग थोड़े से इन्वेस्ट के बाद बहुत अच्छी कमाई कर रहे हैं। और एक बार हमारा कैमरा मेवात को नौजवानों के लिए सबक देने की कोशिश कर रहा है, जो कहते हैं कि काम नहीं है। वाकई रीठट के गांव के पास हम मौजूद हैं और हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, दिखाने की कोशिश करेंगे कि आप भी चाहें तो कमा सकते हैं। चारों ओर तालाबी तालाब और इन तालाबों में मछलियाँ, और उन मछलियों से कमाई करने वाले छोटे से नौजवान से हम आपको मिलवाएंगे। रीठट की तालाबों में है कमाई का सूत्र बनाया, उस परिवार ने मेहनत की और वो मछलियाँ जो आपकी थाली तक पहुँचती हैं किसी की रोजी रोटी का जरिया भी है। तो आइए लेकर के चलते हैं सीधे लाखों कमाने वाले उस तालाब के मालिक के पास। तो हमारा कैमरा पहुंच चुका है उस शख्स के पास जो इन तालाबों का मालिक है और मछलियां पालता है और अपनी रोजी रोटी को अच्छे से चलाता है। सीधे चलते हैं उस बच्चे के पास, उस नौजवान के पास जो मेहनत करता है, जिसके परिवार का ये तालाब है। इनके पापा जहाँ पे मौजूद नहीं थे, ये हमको मिले। इनके पापा से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि मेरा बेटा संभालता है, आप उससे बात कर सकते हैं। बेटा नाम क्या है आपका? मोहब्बत। मोहब्बत, ये तालाब कितने तालाब हैं आपके? पांच। पांच तालाब हैं। कितने किले में हैं ये? 12 किले में। 12 किले में। कब से मछली पाल रहे हैं आप? 5 साल से। 5 साल से। अच्छा, स्कूल जाते हैं आप पढ़ने? जाते हैं। जाते हैं। किस तरीके से पालन शुरू किया, मछली पालन कैसे शुरू किया, बताएंगे? यस सर। जैसे पहले खेत आपके खुद के थे ये? यस सर। पहले तालाब बनवाए? यस सर। क्या क्या खिलाते हैं मछलियों को, कैसे पाली जाती हैं, थोड़ा बताओ। शुरुआत से बताओ कि कोई आदमी तालाब अगर खोलना चाहता है, तालाब का काम करना चाहता है, मछली पालना चाहता है, तो कैसे शुरू करे वो काम के लिए, थोड़ा सा बता दीजिए आप। जैसे पहले इसमें बच्चा डालना पड़ता है सबसे छोटा जी, फिर उसके बाद ये आधी हत्ती पे हो जाता है। इसको खल, अच्छा, चून, तेल वेल पर डालते हैं रोजाना, और इसको खुराक डालते हैं तो छेड़ वेड़ भी कराई जाती है जालों से। अच्छा। तो उसके बाद ये दूसरे महीने में इसको बेच देते हैं, 3 रुपए 2 रुपए बच्चे। अच्छा। तो उसके बाद फिर थोड़ा बहुत रह जाता है 10-15 हजार, फिर उसकी मच्छी बन जाती है एक साल में। अच्छा बेटा, हम देख रहे हैं आपकी उम्र बहुत थोड़ी, आप मछली पालते हैं आराम से, यहाँ रहते हैं? रहते हैं। रात को भी रहना पड़ता है? यस सर। अच्छा एक बात बताइए, जैसे कैसी कमाई होती है, किस तरीके की कमाई होती है? जैसे कोई अगर बहुत अच्छी कमाई है। अच्छा। और सबसे बढ़िया काम है अपना बैठे बैठे। अच्छा अच्छा, मछली लेने के लिए बाहर से भी लोग आते हैं, फिर मार्केट में आप खुद लेकर के जाते हैं? नहीं, वो पार्टी आती है और खुद पकड़ के आप ले जाते हैं। खुद ले जाती है? खुद ले जाती। जैसे है। हम सामने ये तालाब देख रहे हैं, पीछे आप अपने देखिए। हाँ। मुड़ करके, ये तालाब कितने किले में है बना हुआ? ये 4.5 किले में। 4.5 किले में। इससे एक बार में कितनी मछली पकड़ सकते हैं हम? जैसे मच्छी पकड़ते एक बार 5 क्विंटल 50,000 रुपए की जाती है, कभी पकड़ते हर मंथ में। अच्छा, अगर हम बात करें तो अच्छी खासी कमाई हो जाती है। अच्छा, मैं बात करूँ नौजवानों से क्या बोलो। अच्छा, सरकार से भी कोई मदद मिलती है? सरकार से जैसे कोई सरकारी अधिकारी आते हैं कभी? आते हैं। मिलती है? इन पे सब्सिडी हो जाती है। सब्सिडी मिलती है? अच्छी जानकारी रखते हैं आप तो यार। क्या बोलेंगे मैं बात करूँ नौजवानों से जो कुछ गलत करना ओलेक्स वगैरह का काम करते हैं, उनसे क्या बोलेंगे आप? के अपने अपने खेतों में जोड़ खुदवाएं और जिनमें पैदा वैदा नहीं होती, और अपने जोड़ों में बच्चा डालो और अपने वहाँ बैठे बैठे कमाए और मेहनत से काम करे, कोई दिक्कत नहीं है। और मोहब्बत, बड़ी ख़ास बात है, आप बहुत छोटे हैं उसी हिसाब से आप बात कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है आपके साथ बात करते हुए। जब हम लोग बात करते हैं मैं बात में, स्कूल आप जाते हैं पढ़ लें? पढ़ जाते। आप उन नौजवानों से क्या बोलेंगे जो आपकी उम्र के? स्कूल जाओ और अपने तालाब वालाब खुदाओ और तालाबों पे निगाह रखो और अपनी जिम्मेदारी बांधो। अच्छा। खुद और नुई मत, घर से बाहर नुई मत डोला करो। अच्छा। काम से काम करो। देखिए बड़ी
अंदर की बात बोली इस बच्चे ने कि आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। मुझे बड़ी खुशी हुई, बहुत नासमझ तो नहीं है लेकिन इतना समझदार भी नहीं है भाई। मुझे अंदर से खुशी हो रही है कि इतनी जिम्मेदारी कैसे आ सकती है जिसके भी ये बेटे हैं। पापा का नाम क्या बेटा? ताहिर हुसैन। कौन सा गाँव है? दानीबास। दानीबास के हैं। तो मैं चाहूँगा, एक बहुत खूबसूरत दृश्य आ गया है सामने कैमरे में से, चाहूँगा तालाब पर भेड़ों का नज़ारा है, ये बड़ा खास है। अच्छा, खाने के लिए बेटा मछलियों के लिए क्या क्या लाते हैं? दाना वगैरह आता है कुछ? दाना गेरते हैं और चून डालते हैं, खल डालते हैं। अच्छा, सरसों का तेल डालते हैं, खाद डालते हैं। सरकार भी लोन वगैरह देती है अगर किसी के पास पैसा नहीं है? देती है। देती है। हाँ। तो देखिए तस्वीर साफ हो जाती है, मछलियाँ पालिए, खुद का पेट भरिए, दूसरों को मछलियाँ दीजिए और इन जैसे बच्चों से सीख लीजिए। ये ताहिर के बेटे थे लेकिन बच्चे के साथ जो मैच्योरिटी, बच्चे के अंदर जो काबिलियत नजर आई वो हमें जरा सोचने पर मजबूर करती है। आप भी लाखों कमा सकते हैं, अगर बड़े स्तर पे करना चाहते हैं तो करोड़पति भी बन सकते हैं, लेकिन जनाब मेहनत करनी पड़ेगी और मोहब्बत जैसे बच्चे से हमें सीखना पड़ेगा। बड़ी अच्छी बात बोली कि अपने काम से काम रखो, मेहनत करो और अगर जो जमीन उपजाऊ नहीं है वहां तालाब बनवाइए, सरकार भी आपकी मदद करती है, और मेहनत से मछली के काम को करिए और पैसा कमाइए। खैर आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर भारत टीवी पहुंचेगा आपके पास कुछ ऐसे ही प्रोग्राम के साथ जो मेवात की भलाई का होगा, मेवात से बुराइयों को खत्म करने की हम छोटी सी कोशिश कर रहे हैं, आप हमारा इसमें साथ दीजिए। फिलहाल रोजगार के नए अवसर क्या हो सकते हैं मेवात में, हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तब तक के लिए नमस्कार।